सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। आखिर क्या उनमें डिफरेंस है, क्या चीज हमें याद रखनी है और कौन से कंसेप्ट में उसका यूज करना है, आज हम सब ये डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, आपको थ्री एक्सिस बनानी होंगी। जैसे हम ग्राफ में एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। मान लो ये आपका थंब है, यहां पे हमेशा थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल दोनों को यहां पे फोर्स रिप्रेजेंट करता है। फोर्स, अब फोर्स आपको पता है इट इज अ पुश और पुल, यानी किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है वो यहां से पता चलेगा थंब की पोजिशन से। अब ये आ जाती है आपके पास फोर फिंगर, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फिंगर, जो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेटर बी से इसको बी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट फिंगर। और जो ये सेकेंड फिंगर है जिसको हम मिडल फिंगर भी बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब, फोर फिंगर और जो मिडल फिंगर है, ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखिए कैसे, जैसे कि मैं यहां ये रिप्रेजेंट करता हूं, अब थंब देखो, थंब इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है। तो यहां ये थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन यही है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है आपका फोर्स, तो यहां पे आप एफ लिख सकते हैं समझने के लिए। उसके बाद क्या करें, जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ बी लिख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट फिंगर है जिसको मिडिल फिंगर बोलेंगे, जो सबसे बड़ी होती है, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम इसे आई से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर हम इस तीनों को परपेंडिकुलर करते हैं तो ये इस तरह से बनता है, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही हो, मान लो हमारे पास ये सिचुएशन हो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, ये चीज रिप्रेजेंट हो रही है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अब भी ये क्या कर रही है, लेफ्ट टू राइट ही दर्शा रही है। अब देखो ये मिडिल फिंगर क्या करते हैं, करंट बताती है, यानी करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मान लो यहाँ पे एक कॉइल है और जिसमें करंट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हो गया इनके बीच में 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अब देखो यहां से हम बता सकते हैं, अब जो ये कॉइल है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने, और ये सपोज करो ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो इस पे कौन सी फोर्स लगेगी वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, और जो फोर्स है वो क्या कर रही है, इनवर्ड लग रही है अंदर की तरफ, तो यानी यहां से कंपेयर कर सकते हैं हम, फोर्स इनवर्ड लग रही है, तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल होगा ये पार्ट ही अंदर की तरफ जाएगा। सेम सिचुएशन अगर करंट टॉप टू बॉटम आ रहा हो, ये देखो ऐसे में, तो यहां भी हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नाउ दिस फोर्स, अब देखो ये फोर्स कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटवर्ड, तो आ गया ना, अब ये पोर्शन क्या करेगा, ये आउटवर्ड करेगा। तो बेसिकली यहां हम क्या बता सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट गिवन है तो हम फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं, या हम कह सकते हैं अगर कोई भी दो क्वांटिटी गिवन हो तो थर्ड क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। इतना सिंपल सा टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं ये एप्लीकेबल कहां होगा। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए है, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए है। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या डिवाइस होती है, इट इज बेसिकली ए सिंपल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने खुद पास करनी है, यानी करंट हम उसको दे रहे हैं, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम ऑलरेडी रख ही रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो हो ही गई,
अब उसके बाद क्या रह गया कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मूवमेंट के कारण आती है, तो मूवमेंट कब होगी, जब उनको करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स अप्लाई होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं। तो इस केस में ये इनवर्ड जा रही थी, और यहां जब टॉप टू बॉटम आ रहा है करंट, तो ये क्या हो रही थी, आउटवर्ड जा रहा था, तो इसी वजह से ये रोटेट करता रहता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है कि इलेक्ट्रिक मोटर में यूज किया जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, यहाँ पे करंट हम दे रहे हैं उसी की डायरेक्शन है ये, और आप टर्मिनल चेंज कर दोगे तो ये देते हो बैटरी और सेल्स के, तो इनके डायरेक्शन भी चेंज हो सकती हैं। बस हमने क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अब क्या करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करते हैं। देखो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो मिडिल फिंगर है अब वो करंट तो रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन वो कौन सा करंट है, वो इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट सिंपल सा क्या होता है, अगर आपके पास एक कॉइल है तो उसमें से अगर आप मैग्नेट को मूव कराते हो तो उसे क्या हो जाता है, करंट बनता है, जिसको बोला जाता है इंड्यूस करंट। सम अमाउंट ऑफ करंट इज प्रोड्यूस व्हेन मैग्नेट इज पास थ्रू द कॉइल, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। तो जब हम ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, हम खुद से सप्लाई नहीं करेंगे करंट की, करंट खुद बनेगा। थंब आपका ये है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके फोर्स, किस डायरेक्शन में कॉइल पे फोर्स लग रही है। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इस पे बी लिख देते हैं, और जो मिडल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है इंड्यूस करंट, जिसको हम आई सी लिख देते हैं, ताकि इसे कंफर्म हो जाए कि ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस करंट। अब देखो, अब इसको भी आपने 90 डिग्री पे रखना है हर किसी चीज को। ये देखो, तो यहां से हम बता सकते हैं जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब जो देखो, फोर्स अगर इनवर्ड लग रही हो, मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, तो इंड्यूस करंट क्या होगा, बॉटम टू टॉप। तो यहां से हमने क्या बता दी, दो क्वांटिटी हमें पता हो तो हम तीसरी क्वांटिटी यहां भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो यहां पे करंट होगा वो इंड्यूस करंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट करोगे तो वहीं से आप बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो एप्लीकेबल किसके लिए। ये एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इट इज अ सिंपल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, डैम्स हैं, तो वहां क्या करते हैं, पानी को टर्बाइंस पे गिराते हैं। अब पानी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो टर्बाइंस को घुमाएगी, तो वहां से क्या हो जाएगी, टर्बाइन के पास क्या आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, यानी उस पर फोर्स लग रही है। अब फोर्स कैरिंग कॉइल को आपने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रख दोगे तो वहां से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और वो आप चेक कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। दिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, ये गैल्वेनोमीटर से आप चेक कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज काफी जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही किया जाता है। So this is the main difference between Fleming left hand rule and right hand rule. Fleming left hand rule, अगर current के direction और magnetic field के direction given हो तो हम force बता सकते हैं, और ये electric motor के लिए काम करता है। और electric motor की बहुत सारी applications है, fans है, washing machine है, mixer grinder है, काफ़ी जगह use किया जाता है। On the other hand, जो Fleming right hand rule है, जो यहाँ पे क्या होगा, force और magnetic field given हो तो हम induced current की direction बता सकते हैं, और ये एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। और इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली यूज किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई होप आप सबको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।